सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की लापरवाही इन दिनों दिव्यांगों पर काफी भारी पड़ी। दरअसल विभाग की ओर से 13 दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल योजना में स्कूटी तो बांटी गई, लेकिन स्कूटी की आरसी और साथ ही इंश्योरेंस दिव्यांगों को नहीं दी गई। ताजा मामला कोटा का है, जहां दिव्यांग स्कूटी के कागजों के लिए विभाग के लगातार चक्कर काटता नजर आया। उनका कहना है कि गाड़ी के नंबर और दस्तावेज नहीं होने के चलते ट्रैफिक पुलिस उनके चालान बना रही है। तो वहीं कुछ दिव्यांग इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाते नजर आए। मार्च में उनको स्कूटी का वितरण किया गया 13 जनों का, इसमें 10 जनों का चयन तो पहले हुआ हुआ था और 3 जने तो बाद में चयन समिति जिला कलेक्टर में जो बनी हुई थी चयन किया गया और उनके 13 के 13 को हमने आवेदन उनको वितरण कर दिया था माननीय जिला प्रमुख साहब के हाथ से। और उसके बाद में उनके जो जितने भी आरसी के जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने साइन करके हाथों में मैंने भिजवा दी कंपनी को, क्योंकि विभाग का ये नियम है कि वो आरसी हमारे नाम ही रहती है, दस्तावेज ट्रांसफर नहीं रहती। और उनके जो दूसरे बीमा इत्यादि के कागज भी तैयार होकर बिना बीमा के कोई गाड़ी देती ही बीमा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।